मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के लिए आज रविवार के दिन भी विदिशा में बैंक खोले गए। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के आदेश पर सरकारी बैंक खोले गए। सरकारी बैंकों में लाडली बहना योजना के आवेदकों के डीबीटी किए गए। सुबह से ही बैंकों के सामने बड़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ देखी गई, वहीं सर्वर डाउन होने के चलते अव्यवस्था भी देखी गई। हमें कल शाम को आदेश प्राप्त हुआ है जिला कलेक्टर महोदय प्रशासन, तो उनके आदेश के अनुसार संडे के दिन हमें शाखाएं ओपन करनी थी। लाडली लक्ष्मी योजना जो है इसके अंतर्गत हमें KYC और उनके DBT लिंक करना है, आधार लिंक करना है। तो विशेष तौर पे इस कार्य को करने के लिए आज बैंक का स्टाफ आया हुआ है। सुबह 11 बजे से हमने यहाँ पे ब्रांच में KYC का और DBT का कार्य चालू कर दिया था और अभी भी चल रहा है। आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय हैं नगर पालिका के, उनका भी हमें काफ़ी सपोर्ट है, स्थानीय लोगों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है हमें और अच्छी व्यवस्थाएं हम दुरुस्त कर रहे हैं। और थोड़ा KYC का पोर्टल का थोड़ा सा इशू रह रहा है, तो लेकिन उसमें हम KYC लगातार फीड करते जा रहे हैं। सर तकरीबन कितने लोग यहाँ पर सुबह से बैठे हुए हैं? अभी आपने फॉर्म कितने ले लिए? एक अंदाजे के अनुसार करीब 150 लोग अभी अपने पास खड़े हुए हैं और हमने करीब करीब 150 ही फॉर्म जो है ले चुके हैं। सिस्टम में करीब करीब 50+ फॉर्म दर्ज हो चुके हैं। लाइट नहीं होने से थोड़ी सी उमस भी है अंदर, AC नहीं चल रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। जी जी जी, थोड़ा सा कठिनाई हो रही है लेकिन आप लोग का सहयोग है तो काम चल रहा है बढ़िया। वहीं बैंक सर्वर डाउन होने के चलते सगराई भी खासे नाराज नजर आए। भाई यहाँ पर कब से खड़ी हो आप? कितनी दूर से आई हो और बच्चे के साथ खड़ी हो आपको? आप कितनी परेशानी हो रही है? हम बारिश से आए यहाँ पर, 8 बजे आ गए थे, तब से खड़े हैं, अभी तक काम ही नहीं हुआ। कोई सुनता ही नहीं, फार्म जमा भी नहीं हो रहे और बहुत सारी परेशानी आ रही है बच्चों के साथ में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि बहनों को मैं 1,000 रुपये दूंगा, लेकिन उनके कागज ही कम्प्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो यही तो परेशानी है, कम्प्लीट करवा लेते हैं, एक बार करवा लेते हैं फिर वो भी नहीं लेते, फिर दोबारा आना पड़ता है। ये बच्चे के साथ यहाँ पर गर्मी भी बहुत तेज है, तो क्या करें, परेशानी सरकारी कर रही है ना। मेरा नाम दुलीचंद, मैं संग्रामपुर से आया हूँ। भाई मांग रहे भाई दो पक्का के बात नाम नहीं आ रहा। DVD यहाँ मैं खड़ा हुआ है 8 बजे को, कुछ नहीं हो रहा, भीतर चली गई, बस भीतर बैठी है वहाँ और मैं घंटा रहा हूँ। ये जो हो रहा हो बहुत, बस सबका ही आ रहे जितने है उतने, सबका यही समस्या है। पानी व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, काई व्यवस्था है अधिकारी क्या बोल रहे हैं? मैं तो बाहर खड़ा हूँ, अधिकारी भीतर है भाई साहब, मैं नहीं जाऊँ अधिकारी। कहाँ से आई हो? मेरा नाम भगवती है। कहाँ से आई? इधर जोर खाते पड़ता है। कब की खड़ी हो यहाँ? हम ले जहाँ गए थे 9 बजे, हाँ वहाँ जा चले गए तो धक्का मार उड़ गई, तो वहाँ तो पीछे ही पटक गए थे पापा। कहीं नहीं रहा हूँ, जो अब बाट के रहा के और कहीं नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। कितनी परेशानी आ रही है आपके अलावा और भी महिलाएं? हाँ तो परेशानी आ गई, वहाँ ज्यादा भीड़ पड़ गई, उन्हें गेट बंद कर लाओ। हाँ नहीं जा पाए, नहीं जा पाए। 1,000 रुपये चाहिए आपको? हाँ ऐसे कैसे मिलेंगे? तो अब फिर कैसे चले जाएंगे, गेट थोड़ी तोड़ेंगे भैया। बता दें कि CM ने लाडली बहना योजना जब से लॉन्च की है तभी से इस योजना को लेकर महिलाएं फॉर्म भर रही हैं। वहीं अब DBT रखने के लिए विदिशा से कलेक्टर ने भी रविवार के दिन सभी सरकारी बैंक खोलने के आदेश दे दिए। इसको लेकर सुबह से ही बैंकों में भीड़ देखी गई। पंजाब के CTV के लिए शमशाबाद से धर्मेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।